डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग 10th क्लास में साइंस में एक न्यू चैप्टर का शुरुआत किए हैं, जो कि एक बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय में दोस्त, हम पहले बोले थे कि आप जो है तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे फिगर बना लीजिए। फिगर आप बना लिए होंगे आई होप। चलिए उसके नीचे, अब फिगर के नीचे कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सर्वप्रथम सूचनाएं, सर्वप्रथम सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के, एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरे से, द्रुमिका के सिरे से उपार्जित होती है, उपार्जित होती है। और इसके बाद रासायनिक क्रिया द्वारा, और इसके बाद रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है, यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। फर्स्ट एरो में जो लिखें दोस्त, ऐसा है ना, आप सभी एरो जितने भी पॉइंट्स बनते हैं इस टॉपिक्स के अंतर्गत, इस फिगर के अंतर्गत, आप पहले सभी पॉइंट्स को ना लिख लीजिए। जितने भी पॉइंट्स हम नोट करवाएंगे उसको फिर एक बार फिगर के मदद से, फिगर के हेल्प से हम सबको समझा देंगे। तो फर्स्ट वाला में लिख लिए, आवेग पैदा करती है। उसके बाद सेकेंड एरो में लिखा जाए, उत्पन्न विद्युत आवेग, उत्पन्न विद्युत आवेग द्रुमिका के कोशिका कायतक, द्रुमिका के कोशिका काय, कोशिका काय, कोशिका काय तक जाता है, तक जाता है, तब तंत्रिकाच, तब तंत्रिकाच से होता हुआ तंत्रिकाच, तंत्रिकाच का मतलब एक्सॉन, तंत्रिकाच ब्रैकेट में एक्सॉन से होता हुआ अंतिम सिरों तक पहुंच जाता है, अंतिम सिरों तक पहुंच जाता है। चलिए उसके बाद थर्ड एरो देंगे उसके नीचे। हम सभी एरोज में जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं सबको हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले आप चीज़ों को पहले लिख लीजिए, फिर हम फिगर की मदद से, फिगर के हेल्प से आपको हम सभी चीज़ों को समझा देंगे। थर्ड एरो में लिखेंगे, तंत्रिकाच, तंत्रिकाच ब्रैकेट में एक्सॉन, ब्रैकेट में एक्सॉन, एक्सॉन उसको एक्सॉन भी कहते हैं, एक्सॉन के बीच वाले रिक्त स्थान को, के बीच वाले रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। चलिए अब हम आपको एक डायग्राम बनाए हुए हैं, यहाँ पे हम सभी चीज़ों को यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। क्या क्या इस फिगर में हम लोग, पहले हम लोग क्या लिखे हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र का ना आपको फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आपको सभी चीज़ें यहीं पे डिस्कस करते हैं हम, जो भी एरो में लिखे हैं सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र क्या है कोई पूछेगा, तो तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में एक ऐसा तंत्र है जिससे किसी भी क्रिया को हम पहचान सकते हैं। जैसे हमको, हमें कोई टच किया तो पता चलता है कि हमको जो है टच किया गया। वही नहीं, अगर कोई मच्छर हमको गाल पे काटता है तो गाल पे ही महसूस होता है कि गाल पे ही कुछ हो रहा है हम लोगों का एक्शन। अगर कोई हमें पैर में चुटी काटता है तो हमें तुरंत पता चलता है पैर में काटा जा रहा है चुटी, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए, यह सूचना को प्राप्त करने के लिए सबसे हेल्पफुल होता है हमारा क्या, तंत्रिका तंत्र।
ये फिगर है। अक्सर जैसे ही दोस्त अगर हम किसी शरीर को टच करते हैं या किसी को चींटी काटते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र के ये सब जो है ना भाग हैं। तंत्रिका तंत्र का ये वाला जो पुछैला भाग है, निकला हुआ है ऐसे, इसको द्रुमिका कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के बीच में जो रहता है, तंत्रिका तंत्र के यानी कि द्रुमिका चारों तरफ घिरा हुआ है, बीच वाला सेंटर को हम केंद्रक कहते हैं, और खाली जगह को, ये वाला खाली जगह को कोशिका काय कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो रास्ता है इसको तंत्रिकाच कहते हैं, और इसके बीच में कुछ गैप होते हैं, तो सब चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं कि अगर मान लिया सबसे पहली जो सूचना प्राप्त होती है तंत्रिका तंत्र को, सबसे पहले सूचना किसको प्राप्त होती है, तो द्रुमिका। याद रखिएगा, किसी को चींटी काटते हैं, वह चींटी काटा हुआ का अनुभव सबसे पहले द्रुमिका को किया जाता है, यानी कि वह सूचना चींटी वाला जो दर्द हुआ वो कहाँ पहुँचा, द्रुमिका के द्वारा, द्रुमिका के जगह पे पहुँचा। और द्रुमिका से कहाँ आया, तो कोशिका काय में, ये वाला जो खाली वाला भाग है ना, ये खाली वाला भाग में वो सूचना आया, और ये कोशिका काय से होते हुए कोशिका काय तक पहुँच गया। और ये तो तंत्रिकाच न है, तंत्रिकाच को ही ब्रैकेट में एक्सॉन लिखा हुआ है, यानी कि तंत्रिकाच को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन। अब इस एक्सॉन से होते हुए कहाँ पे आता है, अंतिम सिरे तक पहुँचता है, और ये अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है तब हमें अनुभव होता है, तब हमको दर्द का फीलिंग होता है, हमें चूटी काटा का महसूस होता है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोसेस है आप देख पा रहे होंगे, ये इतना जल्दी होता है जितना कि एक जैसे कोई ग्रिड होगा जहाँ पे लाइन बिजली करंट दिया जाता होगा और आपके घर का बल्ब जल जाता होगा, ये किस स्पीड से उस वायर में, उस तार में करंट आता है आप अनुभव किए हैं, उतना ही स्पीड से ये क्रिया होती है। एक फट से चींटी काटिए, तुरंत द्रुमिका की सहायता उसको बहुत ही हाई स्पीड से होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया विद्युत आवेग, ठीक है। इतना इसका वेग रहता है जितना कि वेलोसिटी करंट का रहता है, जिस स्पीड से करंट चलता है उसी स्पीड से ये सूचनाएं हमारे तक पहुंचती है। और इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि हमको तुरंत फट से कोई चींटी काटता है कि नहीं, हम तुरंत उधर घूम जाते हैं, वहाँ पे मच्छर थोड़ा सा काटा कि नहीं, हम थोड़ा सा तड़ाक से उसको दे देते हैं मच्छर पे, क्यों, क्योंकि ये विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। याद रखिए कि यही तंत्रिका तंत्र जो है हमें सभी का अनुभव कराती है, हमें कहीं पे दर्द हो रहा है, हमें कहीं जलन दे रहा है, हमें शरीर में किसी तरह का प्रॉब्लम है, यही तंत्रिका तंत्र की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें सिनेप्स को समझना है। सिनेप्स सवाल में आता है कि सिनेप्स किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा तंत्रिकाच के बीच में जो गैप है, ये वाला तो तंत्रिकाच हुआ और इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप नज़र आता है, और इसी गैप्स को हम लोग कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये तंत्रिका तंत्र का फिगर आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ये फिगर दोस्त VVI है, ठीक है। ये फिगर आपको बनाने के लिए सवाल में आता है कि तंत्रिका तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, तो सबको चित्र बनाकर सबको दिखा देना है कि भाई द्रुमिका है, ये केंद्रक है, ये कोशिका काय है, ये तंत्रिकाच है, इसको एक्सॉन भी बोल सकते हैं, सिनेप्स है, और ये अंतिम सिरे हैं। आप NCERT के बुक से इसको बना सकते हैं अच्छे डायग्राम पेंसिल की सहायता से। हम आपको बताने के लिए एक थोड़ा सा अच्छा, उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाए हैं, लेकिन आप इससे भी अच्छे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स हम लोग नोट्स किए थे वो सभी के बारे में हम लोगों ने समझा, देखा, और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे के जो टॉपिक्स देंगे वो बहुत इंटरेस्टेड, उसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए आप समझिए, तो बहुत सारे ऐसे हमारे अंदर उपस्थित होता है, जैसे मान लिया कि कोई अगर गलती से अगर
कोई उष्मा बहुत ज़्यादा हीट निकल रहा है, बहुत ज़्यादा आग है वहाँ पे, और गलती से मेरा हाथ वहाँ चल जाता है तो हम फटाक से उस हाथ को खींच लेते हैं। ये मेरा माइंड तुरंत बोलता है कि भाई यहाँ गर्मी है, तुरंत हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा। हम फटाक से क्या करते हैं, हाथ को पीछे हटा लेते हैं। तो कुल मिलाकर इसको उद्दीपन भी कह सकते हैं, उद्दीपन की क्रिया भी करते हैं। तो कुल मिलाकर प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में सोचने वाला ऊतक जो होता है अलग होता है। एक्चुअली देखिए, अभी जो भी हम लोगों, जैसे मान लिया हाथ हटाएं, ये हाथ क्यों हटाएं, सबसे पहले तंत्रिका तंत्र को ये पता चला कि यहाँ पे तुम्हारा डेंजरस है, मेरा माइंड पढ़ा, यानी कि यहाँ दिमाग का भी रोल है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है दिमाग से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। अगर हमको कोई चुटी काटा तो हमको क्या करना है उसके बाद, ये हमको सूचना दिमाग देता है, हमारा मस्तिष्क देता है। तो कुल मिलाकर तंत्रिका तंत्र का तो काम है सूचना को पहुंचाना कि भाई देखो ना ये चुट्टी काट दिया, चुट्टी की जैसा महसूस हुआ, देखो भाई ये मच्छर काटा है, देखो भाई कोई एक थाप मार दिया, तो ये सूचना जो है पहुंचाता है तंत्रिका तंत्र। लेकिन उसके बाद क्या काम करना है, जैसे मान लिया कोई एक थप्पड़ मार दिया, तो अब मार दिया ये पहुंचाया कौन, तंत्रिका तंत्र सूचना लेकर यहाँ से यहाँ तक आया, अंतिम सिरा तक पहुंचा दिया कि देखो एक थप्पड़ जो है किसी ने मारा है। अब वो वाला सूचना जो है आराम से लेकर बैठा नहीं रहेगा, वो वाला सूचना जो हमको पता चला वो दिमाग उसको पढ़ेगा, मेरा मस्तिष्क उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद डिसीजन लेता है कि अच्छा एक थप्पड़ के बजाय उसको दो थप्पड़ देना है कि चार थप्पड़ देना है कि क्या करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा मस्तिष्क का भी कनेक्शन रहता है किससे, तंत्रिका तंत्र से। वो मस्तिष्क ये सोचता है, ये डिसीजन लेता है कि आखिर ये सूचना हम तक आया है उसके बाद क्या करना है। जैसे सोचो, सबसे पहले अगर मान लिया कि इस स्थान पे ना बहुत ज़्यादा आग लगा हुआ है, बहुत एकदम आग निकल रहा है और गलती से मेरा हाथ जो है ना उस आग के ऊपर, आग का लपेटा के ऊपर हाथ चल गया, तो एक्चुअली चल गया, ठीक है ये चल गया और फिर जलन महसूस हुआ, हाथ जल भी गया, ये सूचना जो है हमको तंत्रिका तंत्र दिया। लेकिन ये हाथ हटाना है ये किसने बताया, ये बताया मेरा मस्तिष्क। तो तुम समझ पा रहे होगे कि ये भी मस्तिष्क भी गजब का चीज है, हमारा माइंड जो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने बनाया है, वो गजब का है। आप अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ, तंत्रिका तंत्र तो सूचना पहुंचाता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा घटना हो गया, लेकिन उसके बाद हाथ को हटाना है कि हाथ वहाँ रखे रहना है, ये सूचना हमारा माइंड देता है। तो कुल मिलाकर इस प्रोसेस को हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, क्रिया का मतलब काम करना, यानी कि हमको पता चल गया उसके बाद काम क्या करना है, तो कुल मिलाकर इसको क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया की कैटेगरी में हम लोग शामिल करेंगे। हालांकि मस्तिष्क के बारे में हम लोग और भी ढंग से पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक्स से, तो चलिए इसमें भी कुछ पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट्स लिखते हैं, हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक, हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक कौमा जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं, देखिए सबसे पहला हमारे शरीर में एक सोचने वाला ऊतक है, और यानी कि हमारा माइंड जो है ना, हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टेड, हमारा माइंड कई तरीके में बटा हुआ है। एक सोचने वाला दिमाग है, सोच कर सोचने के बाद क्या करना है उसके लिए अलग दिमाग है, यानी हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क कई भागों में बटा हुआ है। तो उसी तरीके से हम स्पेशल उस दिमाग का बात कर रहे हैं जो स्पेशल किस लिए है, सोचने वाला है। तो जो स्पेशल सोचने वाला ऊतक है या सोचने वाला शरीर का भाग है, वो जटिल रूप से एकदम बिल्कुल जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स तरह से, एकदम जैसे जाल देखे है ना, बहुत सारा जाल रहता है, उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसका। सोचने वाला ऊतक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल व्यवस्था रहता है। और ये जो मस्तिष्क है ना, ये गजब का होता है, जो सोचने वाला रहता है मस्तिष्क, उसको एक खोपड़ी के अंदर उसको
फिट किया रहता है, और वो खोपड़ी के अंदर जिसको सोचने वाला होता है उसको डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र से जोड़ दिया जाता है। तभी ना भाई सोचेगा, उसके बाद करना क्या है वो सोचने वाला दिमाग देगा, सोचकर वो रिजल्ट देगा कि उसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग फिर नेक्स्ट एरो लिखेंगे। नेक्स्ट एरो, खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग, खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक, सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। याद रखिएगा, जो सोचने वाला भाग है हमारे माइंड का, वो एक खोपड़ी के अंदर स्थित है। ठीक है, और वो जो खोपड़ी के अंदर सोचने वाला माइंड मेरा स्थित है, वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन किसके किसके साथ रहता है, तो तंत्रिका तंत्र के साथ रहता है, ताकि कुछ भी अगर कोई सूचना हो तो डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र तो ये रिलीज होता है कि भाई सूचना है, लेकिन उस सोचने के बाद वो क्या काम करना है। जैसे मान लिया कि तुमको एक थप्पड़ मार दिए, अब तुम सोचेगा कि उसके बाद क्या करना, उसको दो थप्पड़ लपड़ाना है कि अपने आप को सह लेना है, कि उसके बाद और क्या करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रतिवर्ती क्रिया में, अभी हम लोग दो पॉइंट्स को भी नोट किए हैं, अभी प्रतिवर्ती क्रिया में ही और भी पॉइंट्स है दोस्त, थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट। तो चलिए आज दो ही पॉइंट्स को यहीं तक नोट करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग याद रहे प्रतिवर्ती क्रिया के दो पॉइंट्स को नोट कर चुके हैं, एक खोपड़ी में सोचने वाला माइंड स्थित रहता है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है तंत्रिका तंत्र के लिए, जो कि कार्यशील रहता है। तो यहाँ तक के हम लोग सीखे हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।